मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस बार बड़ी संख्या में नामांकन भी अस्वीकृत हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकृत उम्मीदवारों के अलावा कई उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय पार्टियों से आवेदन कर दिए थे, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने अस्वीकृत कर दिया। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों के आवेदन भी अस्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल 4200 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस बार बड़ी संख्या में नामांकन भी अस्वीकृत हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकृत उम्मीदवारों के अलावा कई उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय पार्टियों से आवेदन कर दिए थे, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने अस्वीकृत कर दिया। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों के आवेदन भी अस्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल 4200